हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो पता है कल रात को यहाँ क्या हुआ? बहुत ही खतरनाक सीन हो गया। 2:30 बजे का टाइम था गाइस, और हमारे पर्दे ऐसे लहरा के मेरे सर पे आ गया पर्दा। मुझे लगा क्या हो गया, तो तूफान चल रहा था बहुत ही भयंकर डेंजर वाला। तो मेरे छत में कपड़े रखे हुए थे, कई लोग के गेहूँ थे, तो वो गेहूँ समेटने के लिए छत में आ रखे थे। तो रात 2:30 बजे के टाइम की बात है, रात 2:30 बजे, और जब मैं छत में गई तो पूरे फेस पे भी इतना धूल लगा ना, अभी भी मेरी आंखों में ऐसे धूल लगा हुआ है, लेकिन नींद आ रही थी तो उस टाइम तो सो गई थी। मेरे पूरे बालों पे धूल लग गया, नाक में धूल चला गया, मुँह में पूरे रेत रेत से मैं कुल्ला करा के, फिर कानों के अंदर भी धूल घुसा, ऐसे ही हो गया सारा। तो लेकिन अभी बारिश हो गई, बारिश के कारण थोड़ा धूल बैठ गया और घर के कोने कोने में पूरा धूल ही धूल। कल मैंने इतने अच्छे से पोछा मारा था ना डीपली, और आज ये देखो, ये इतना भयंकर धूल हो रखा गाइस, ये देखो। तो काम बढ़ गया मेरे लिए, तो बच्चों को भेज दिया है मैंने स्कूल, और फिलहाल मैं कर रही हूँ बेडशीट वगैरह झाड़ के साफ। तो भाई इतना खतरनाक तूफान था ना, मैं छत में गई कपड़े लेने के लिए, दरवाज़ा ही नहीं खुला इतना टाइटली, और उसके बाद मैं इधर जा रही तो तूफान मुझे इधर को धक्के मार रहा था। इस तरीके लोग करते हैं काम, उसके बाद चलते हैं, हम जा रहे हैं कहीं, मैं मेरे हस्बैंड जी। तो चलिए पहले काम निपटाते हैं, उसके बाद बनते हैं हम फुर्र का पान। और मेरे हस्बैंड जी धो रहे हैं गाड़ी, क्योंकि बारिश ने ढंग से नहीं धोई इसलिए वो गाड़ी धो रहे जा खाम से। कहीं जाओ तो ऐसे खाना पड़ता है, मोटी बना के चलो। जड्डू लग रहा है या जड्डू गए थे देहरादून। देहरादून से आते आते हमको लग गई थकान और सिर दर्द हो गया मुझे आज, मुंडा रूठ गया। अरे खाना बन गया, खाना खाते हैं। क्रीम पाउडर बोल लगोला बोल ब्योची यख बबला क्रीम पाउडर बोल लग। फाइनली मैंने गेहूँ खाली कर दिया है, कितनी देर में कर दी है, और ये कट्टे करने मैंने वापस, और अब अंगना में आई है बाबूजी। अब मैंने करना है आंगन साफ, अब है बारी आंगन साफ करने की। मेरे सिलर रो रहा था, मैंने बर्तन नहीं दे, बर्तन का पड़ा है ढेर। अभी बना दी मुझे चाय, स्लिप हो रखी मेरी गंदी, देखो तो इतना काम है। ला भाई एक गिलास पानी मुझे पिला दे, एक घूट मुझे दे, बहुत टाइम बाद सफ़र करो ना इधर उधर, तो हेडेक हो जाता है, और धूप लगी हुई थी और ट्रैफिक में चैं चैं पै पै से ज़्यादा होता है। ये है मेरी किचन की हाल। अभी करती हूँ चुटकी में। तो बर्तन मैंने धो दिए हैं, और मेरा कुकू अभी तक सोया है,
7:30 होने वाले हैं और कुक्कू में लगा कुछ छोया है। उठेगा नहीं, अंधेरा हो गया बाहर, अंधेरा मतलब होने को है, अभी हुआ नहीं है। तो डुगू ने और पापा ने मिलके कर दिए आंगन की सफाई, पूरे जो गेहूं का और जो कल तूफान आया था पूरा धूल इकट्ठा हो रहा था ना, वो साफ़ कर दिया उन्होंने। और अब बनाती हूँ मैं अपने लिए चाय, मैंने भी बर्तन धो लिए और खाएगा। चोको भाई, चोको भाई चॉकलेट नहीं आया, चॉकलेट नहीं, दो पीस लो। और ये देखो आज मैं ये भी लेके आई, सांभर मसाला भी लेके आई एक, और इमली का पेस्ट। तो बार बार झंझट होता है ना दुकान में इमली ढूंढो, फिर कई बार खराबी मिलती है, तो लकीली मुझे इमली का पेस्ट मिल गया। बहुत ही बढ़िया यार, मतलब पाउच में और फ्रिज में इसको स्टोरेज करके रख लो तो बढ़िया है ना, चटनी बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए। और मैं लाई हूँ स्पेशली इसको सांभर बनाने के लिए। तो ये है मदर्स का इमली पेस्ट। पोचू आजकल पापा आ रखे हैं ना, तो पोचू मेरे साथ नहीं सो रहा है, पापा से चिपक रहा है और उसके बाद उसको खराटे भर के नींद आ जाएगी, दोनों के दोनों निंदाड़ हैं निंदाड़। तो पापा तो इसलिए सोते हैं कि ड्यूटी में कहाँ होता है आराम, तो पापा घर आके सोते ही रहते हैं। फौजी आदमी तो नींद पूरी करते रहते हैं घर आके, लेकिन उनकी नींद मेरे पोचू को भी लग गई है। अब मेरा पोचू भी आजकल गुड बॉय की तरह सो रहा है ना पोचू 3 घंटे सो के उठा है, अब रात को ही 12 बजे सोएगा। और पापा चले गए हैं साइकिलिंग पे, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए हैं पापा जी। एक लेके आई हूँ मैं अदरक का अचार, और मैंने सोचा ये पीसेज में होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल इसकी चटनी बना रखी है यार इन्होंने। तो ये भी मदर्स का है, टेस्टी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है अदरक का अचार। लेकिन मैंने जो एक बार खाया था मिक्स अचार के साथ, तो वो पीसेस में था तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये मतलब थोड़ा सा पेस्ट बना के दे रखा है, लेकिन ठीक है। तो यही अचार बचा हुआ था वहाँ, मिक्स होता तो ज़्यादा बढ़िया होता है, बच्चों को देने का काम आ जाता है ना, कोई पराठे वगैरह बनाओ, लेकिन अदरक का ही मिल गया। लेकिन अदरक और लहसुन का अचार भी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। सो गाइस आज का व्लॉग करते हैं एंड, और मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे नींद भी आ रही है, और मुझे थकान लगी है क्योंकि देहरादून क्राउड में सफ़र करने में इतना सिरदर्द हो गया ना कि हमको यहाँ की आदत पड़ गई, मुझे बिल्कुल शांति और सुकून से रहने की बहुत सिरदर्द हो गया है। और अब मैं सो रही हूँ, मेरा आदर्श सो रखा है मेरे साथ और कुकू सोया है पापा के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आप यूँ ही व्लॉग देखते रहिएगा, अपना प्यार बना के रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, जय देव भूमि जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, बाय। तो व्लॉग थोड़ा सा था, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। मैं इतना ही व्लॉग बना रही हूँ आज और यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो ओके, टाटा बाय।